पूरी खबरें विश्लेषण जिम्मेदारी के साथ देखने के लिए डाउनलोड कीजिए 7i न्यूज एंड्रॉइड ऐप। नमस्कार, मैं हूं अतुल द्विवेदी और आप देख रहे हैं 7i न्यूज। आखिर वही बात सामने आई जिसका दावा हमने एक सप्ताह के भीतर कर दिया था। वह दावा था कि प्याज की कालाबाजारी ही उसकी महंगाई का मूल कारण बनी हुई है। हमने दावा भी किया था कि महंगाई की मूल जड़ में कालाबाजारी के जो अंश हैं उसमें सब्जी के दलाल, अड़तीय और मुनाफाखोर व्यापारियों का एक बड़ा नेटवर्क मुख्य भूमिका में है। हमने यह भी कहा था कि मध्य प्रदेश से लेकर भारत के अधिकांश हिस्सों तक प्याज की जितनी भी किल्लत है वह प्राकृतिक जन्य होने के साथ साथ मुनाफाखोरों द्वारा जानबूझकर पैदा की गई खत्म कृत्रिम परिस्थितियां भी हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वर्तमान समय में प्याज असल खरीद मूल से लगभग 20 गुना महंगे दामों पर बाजार में खपाई जा रही है। अब हमारे दावों की पुष्टि मध्य प्रदेश के आयकर विभाग की गतिविधियों ने कर दी। बता दें, हमारे दावों की पुष्टि करते हुए आयकर विभाग की टीम ने एक नहीं बल्कि दर्जनों ठिकानों पर एक साथ छापे मारे। ये सभी छापे उन लोगों के ठिकाने पर मारे गए जो प्याज के काले कारोबार में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं। यह खबर भी छनकर सामने आई कि इस टीम ने लगभग 4 करोड़ का ऐसा कच्चा चिट्ठा पकड़ा है जिसका वैधानिक बही खाते अथवा अन्य दस्तावेजों में कहीं भी उल्लेख नहीं है। दावा किया गया कि व्यापारियों, आढ़तियों और दलालों ने मिलकर 4 करोड़ की प्याज नंबर 2 में खरीदी और उसका अनुचित भंडारण कर बाजार में किल्लत पैदा करने का काम किया। पता चला है कि इन मुनाफाखोरों ने 4 करोड़ जैसी राशि का बड़ा हिसाब साधारण कागज के पुर्जों पर जोड़कर रखा था। दावा किया जाता है कि यदि प्याज के इस काले खेल में जांच पूरी ईमानदारी और सख्ती के साथ हुई, छापे मारने के और ठिकानों का पता लगाने में और भी खुलासे हो सकते हैं। सरकारी और प्रशासनिक अमले के जाल में फंस जाएंगे जो लोग इस धंधे से जुड़े हुए हैं। लेकिन वांछित सफलता के लिए सरकार और प्रशासन के बेहद कड़ी एवं पारदर्शी मॉनिटरिंग की आवश्यकता है। यदि कार्रवाई तथा जांच के मामले अंजाम तक पहुंचे तो ही अपेक्षित परिणाम मिलेंगे जिसमें जनता को इसका लाभ मिल पाएगा। वरना तो छापेमारी खाद्य पदार्थों की मिलावट पर भी देखने को मिलती है किंतु परिणाम अपेक्षित नहीं आते। अधिकांश मेहनत मशक्कत बेकार ही जाती है। यदि प्याज के काले खेल में कार्रवाई केवल प्रचार प्रसार तक ही सीमित रही तो सरकार के हिस्से में केवल सक्रियता दिखाई देगी कि वो वाहवाही के लिए ही ये काम कर रही थी। यदि कोई परिणाम नहीं मिले तो हालात बिगड़ सकते हैं, प्याज और महंगी होगी, यह दावे बाजार में किए जा रहे हैं। फिलहाल आयकर विभाग ने केवल शाजापुर मंडी को अपना निशाना बनाया जबकि प्रदेश की अनेक छोटी बड़ी मंडियों में दलालों, आढ़तियों और मुनाफाखोरी व्यापारियों का एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। इस गिरोह नुमा लोगों का काम बाजार की नब्ज पहचान कर उसके हिसाब से सब्जियों का भंडारण करना, उसकी कमी पैदा करना और फिर महंगे भाव पर उसे बाजार में खपाना जग जाहिर है। इसलिए आवश्यकता की बात यह है कि फिलहाल जितने बागड़ बिल्ले आयकर विभाग की पकड़ में आए उनसे सख्ती से पूछताछ की जाए और पता लगाया जाए कि शाजापुर एवं मध्य प्रदेश से बाहर कौन कौन से ऐसे नेटवर्क हैं जहां पर अवैध रूप से भंडारण की हुई प्याज का जखीरा मिल सकता है। इसके लिए सरकार एवं प्रशासन के साथ साथ संबंधित विभाग को प्रदेश की छोटी बड़ी मंडियों में बैठे ऐसे मुनाफाखोरों पर पैनी नजर रखने की महती जरूरत है। ऐसा भी नहीं कि प्याज की मुनाफाखोरी केवल मध्य प्रदेश में हो रही है, कुछ प्रकृति की वजह से भी ऐसा देखने को मिल रहा है कि मुनाफाखोरों की वजह से प्याज महंगे होने की प्रतिकूल प्रभाव समूचे भारत पर पड़ रहा है। लगभग सभी स्थानों पर निम्न स्थानों पर प्याज 600 मध्यम स्तर की, 80 रुपये और बेहतर कही जाने वाली प्याज और 100 रुपये प्रति किलो से कम उपलब्ध नहीं हो पा रही है। बता दें, अभी प्याज में और अधिक तेजी आना बाकी है। इन आशंकाओं ने व्यापारियों को उत्साह से दोगुना कर दिया है। अतः आशंका यह भी है कि प्याज की कीमत और किल्लत ज़्यादा बढ़ाई जाएगी ताकि इसे और अधिक महंगे दामों पर खपाया जा सके। याद रहे, इस मामले में अनियंत्रित केवल प्रदेश ही नहीं केंद्र सरकार को भी बड़ी असफलता कही जाएगा। यदि हालात ऐसे ही बने रहे तो देर सवेर से ही आम आदमी के बीच प्याज को लेकर आक्रोश उत्पन्न होना तय है। बस यह दावा नहीं किया जा सकता कि नागरिक तीखे तेवर में कमाने वाला है। हम यह दावा नहीं करते कि सड़कों पर आंदोलन या अराजकता ही हर समस्या का समाधान है, लेकिन जब सरकारें असफल होती हैं तो उसके खिलाफ आंदोलन करना आम जनता का अधिकार भी बन जाता है और कर्तव्य भी। प्याज के मसले को लेकर विपक्ष की चुप्पी भी आम आदमी के मन में कचोट रही है।
ऐसा प्रतीत होता है कि मानव विपक्ष का काम केवल सरकार का अहित करना और अपना राजनीतिक भुट्टा सेकने तक ही सीमित है। मध्य प्रदेश पूरे देश में यही स्थिति बनी हुई है। राजनेताओं के सभी को अपनी पड़ी है। उदाहरण के लिए प्याज की पैदावार करने वाले महाराष्ट्र का उल्लेख किया जा सकता है। वहां भी प्याज के अति भाव आसमान छू रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक स्तर के राजनीतिक दल केवल वही अपने सरकार बनाने की जोड़तोड़ और दूसरी सरकार बनाने की संभावनाओं को खारिज करने में लगे हैं। इस बीच मध्य प्रदेश की जनता को यहाँ की कांग्रेस सरकार से काफी उम्मीद है, क्योंकि यहाँ के मतदाताओं ने बड़ी अपेक्षा के साथ 15 साल पुराना भाजपा का शासन उखाड़ फेंका था। आम आदमी को यह विश्वास है कि सरकार इसके लिए आवश्यक कदम उठाएगी। सरकार और सत्ता पर काबिज कांग्रेस को जनहित के मुद्दों पर केवल ध्यान ही नहीं देना है, उनकी समस्याओं का निराकरण भी करना है। जहां तक प्याज की बात है तो वह आज का मुद्दा बनी हुई है, और सही मायने में कहा जाए तो प्याज अब तक भोजन के लिहाज से आम आदमी की मूलभूत आवश्यकताओं भी बनी हुई है। अतः इस मुद्दे को जनता नज़रअंदाज करना तो सत्ता पक्ष के लिए अच्छा नहीं होगा और ना ही विपक्ष के लिए। 7i न्यूज़ के लिए मोहनलाल मोदी की रिपोर्ट।